भारतीय डाक विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों को आजादी के दंश और विभीषिका की स्मृतियों से रूबरू करवाने के लिए देश के सभी मुख्य डाकघरों विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्यावर के मुख्य डाकघर में भी विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी शुरू की गई। 14 अगस्त तक चलने वाली स्मृति दिवस प्रदर्शनी के अंतर्गत विभाजन से जुड़े हुए हर पहलू को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन मानस को यह ज्ञात हो सकेगा कि भारत को आजादी कितनी कठिनाई से मिली, इस आजादी में कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान शामिल है। प्रदर्शनी में सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भयंकर हिंसा भी हुई थी, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को भी सम्मिलित किया गया है। मुख्य डाकघर अधीक्षक विजय सिंह जैन ने कहा कि मुख्य डाकघर में आयोजित उक्त प्रदर्शनी का अवलोकन आमजन जो है वो 14 अगस्त कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। जैन ने कहा कि संघर्ष और बलिदान की याद में केंद्र सरकार के निर्देश पर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को बड़ी संख्या में शहरवासियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधान डाकघर ब्यावर में विभाजन की विभीषिका के संदर्भ में भारत पाकिस्तान विभाजन की विभीषिका के उसमें प्रदर्शनी लगाई गई है। इस संदर्भ में आम जन हेतु 14 अगस्त तक ये प्रदर्शनी जारी रहेगी, जिसमें विभाजन की विभीषिका के संदर्भ में विस्तृत विवरण दर्शाया गया है। मैं आमजन से अपील करता हूँ कि आप 10 बजे से 5 बजे तक ब्यावर प्रधान डाकघर में पधारें और विभाजन की विभीषिका के तहत जो बंटवारे के समय जो सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष और बलिदान की जो कहानी है वो आपको ताज़ा ये दिखाई जा रही है, और आप 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर हम मनाएंगे। और 14 अगस्त को जो विभाजन की विभीषिका के समय जो आमजन उपस्थित हैं उन्हें हम सम्मानित भी करेंगे,